Hi everyone, welcome to the channel Psych Learning. So it's Deepika here. We are here with the third part of the chapter called Learning. हम already दो part कर चुके हैं जिसमें हम learning क्या होती है, classical conditioning क्या होती है और operant conditioning क्या होती है, classical और operant conditioning का difference क्या होता है, learned helplessness क्या होती है, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं. आज हम करने वाले हैं कुछ और different types of learning, क्योंकि chapter learning का है तो हम इसमें अलग अलग types of learning करने वाले हैं definitely. As the name suggest, तो इससे पहले की दो वीडियोस आप हमारे YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं. चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशंस ऑन करिए. समझ नहीं आया है तो हमें रीच आउट करिए YouTube कमेंट सेक्शन के थ्रू, Instagram, Telegram, WhatsApp या ईमेल के थ्रू. इसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो आप हमें रीच आउट कहीं से भी कर सकते हैं. वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू. आई होप आप मेरे साथ सीरीज में हैं, आप पढ़ रहे हैं. एंड एज प्रोमिस्ड, मैं एग्जाम से पहले सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा दूंगी. तब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड, नोटिफिकेशंस ऑन करके, ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये वीडियो आ गई है, तो आप पढ़ाई करिए. पुराने सारे वीडियोस आई होप आपको समझ में आ गए हैं. कोई नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो में भी उसके डाउट्स पूछ सकते हैं, ताकि मैं फर्दर वीडियोस में या जो भी क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए मैं उस पर ला सकूं. फाइन. उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की. सबसे पहले हम करेंगे, क्योंकि हम क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग कर चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की. सो द फर्स्ट थिंग इसमें देखना है आपको कि इमिटेशन. इमिटेशन क्या होता है? किसी को देख के इमिटेट करना, है ना. उसे देख के जैसा वो कर रहा है वैसा करना, जैसे बंदरों में होता है, लोगों में ये चीजें होती है, दैट इज योर इमिटेशन. तो सोशल लर्निंग एक्चुअली एल्बर्ट बेंड्यूरा ने ये टर्म दी थी, और उन्होंने कहा था बेसिकली कि जब हम किसी को देखकर जैसा वो करे वैसा करने की कोशिश करते हैं, वो आपकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या सोशल लर्निंग होती है. इसमें मॉडलिंग भी होती है. मॉडलिंग क्या होता है? जब हम किसी को मॉडल बना लेते हैं और उस रोल मॉडल को हम फॉलो करते हैं और वैसा ही एक्ट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज योर मॉडल. ठीक है. अब आपको ये समझना है कि उन्होंने क्या किया. तो मैं आपको ना सिंपल सा बताती हूँ कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत इंटरेस्टिंग सा. उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फिल्म दिखाई और उन्होंने तीन बच्चों, मतलब तीन ग्रुप्स में अलग अलग जो है वो फिल्म दिखाई. पहली जो फिल्म दिखाई या जो भी फिल्म थी, उसमें सारा जो बेसिकली ये था कि एक रूम था जिसमें बहुत सारे टॉयज थे. बोबो डॉल थी स्पेशली उस चीज में, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट का नाम भी बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट है. उन्होंने वो देखा. उसके बाद उसमें क्या हुआ, कुछ ग्रोन अप बच्चे, जो बड़े बच्चे थे, वो रूम के अंदर आए और बहुत ना अग्रेसिव बिहेवियर दिखाने लगे, मतलब पिटाई करने लगे डॉल्स की, टॉयज की. बहुत ही रूड और अग्रेसिव टाइप का वो, मतलब बिहेव करने लगे उनके टूवर्ड्स. ठीक है. और एक दूसरे की तरफ फेंकने लगे चीजों को, बॉल्स को, रूड बोबो डॉल्स को फेंकने लगे, पीटने लगे, ये सब करने लगे. अब इस फिल्म के ना तीन वर्जन थे, फिल्म यही थी. उसके बाद जो है तीन वर्जन्स थे. पहले वर्जन में जिसने ऐसा किया ना, उसको रिवॉर्ड दिया गया, गिफ्ट दिया गया, शाबाशी दी गई कि वाह बेटे आपने बहुत अच्छा किया, या वाह बेटे आपने अच्छा किया. जो मतलब बच्चे थे, बड़े बच्चे थे, उनको प्रेज किया. ठीक है, तारीफ करी उनकी, उनको गिफ्ट दिया. सेकेंड वर्जन में उन्होंने क्या किया, बॉयज को पनिश किया, पिटाई करी, डांट लगाई, वाई यू डिड दिस, क्यों किया ऐसा इनके साथ, क्यों किया बोबो डॉल के लिए, वो किया. इस तरह से आपने क्या किया, आपने उनको पनिश किया. एंड थर्ड वर्जन में कुछ नहीं किया, ना डांटा ना मारा, कुछ नहीं किया. और ये तीनों वर्जन अलग अलग ग्रुप के बच्चों को दिखाए गए. ठीक है. अब जब ये सब देख लिया तो उन बच्चों को एग्जैक्टली उसी तरह के एक रूम में जो है वो ले जाया गया. वहां पे वही सब टॉयज और चीजें थी सारी. उसके बाद बच्चों का जो है बिहेवियर नोटिस किया गया. तो ये देखा गया कि जिन बच्चों ने ये देखा था कि उनको तारीफ मिल रही है, प्यार मिल रहा है, वो बच्चे अग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहे हैं, बहुत दिखा रहे हैं. जिनको पिटाई पड़ रही है वो नहीं दिखा रहे. अब देखी तो उन्होंने भी वीडियो है, लेकिन वो दिखा नहीं रहे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो उसके बाद हमें पिटाई पड़ेगी या हमें डांट पड़ेगी. कम बच्चे दिखा रहे हैं मतलब. एंड जो थर्ड ग्रुप है जिसको कुछ भी नहीं दिखाया, वो अपने कैरेक्टर के हिसाब से कुछ दिखा रहे हैं कुछ नहीं दिखा रहे, मतलब वो न्यूट्रल है एक तरीके से. तो इससे ये पता चलता है कि जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो डिपेंड करती है कि हमें उसका रिस्पांस मिलेगा या नहीं मिलेगा. क्योंकि चीजें तो हम याद कर लेते हैं, चीजें तो उन्होंने भी याद करी जिनको पनिशमेंट दिखाया, चीजें उन्होंने भी याद करी जिनको रिवॉर्ड दिखाया. बट वो एक्चुअल में एक्ट करके किसने दिखाया, जिसको लगा कि नहीं मेरा जो बिहेवियर है उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो पॉजिटिव आएगा तो मैं ये करूंगा, लेकिन अगर मेरे काम का जो रिजल्ट है वो पिटाई में या पनिशमेंट में आएगा तो मैं उस काम को नहीं करूंगा. सो दिस शोज दैट लर्निंग इज डिफरेंट फ्रॉम परफॉर्मेंस. एंड वी लर्न द थिंग्स बाय ऑब्जर्विंग, बट वी डू नॉट परफॉर्म इट. वी परफॉर्म इट अकॉर्डिंग टू सोसाइटल नॉर्म्स. सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, हम उस हिसाब से रिएक्शन देते या नहीं देते. समझ रहे हैं? उसके बाद
दिस इज इट अबाउट लर्निंग. तो इसमें एक लाइन ही क्वेश्चन आता है कि अग्रेसिवनेस, प्रो सोशल बिहेवियर, कर्टसी, पोलाइटनेस, डिलिजेंस, इंडोलसेंस, ये सब तरह की चीजें हम लर्निंग से सीखते हैं, सोशल लर्निंग से. देखकर सीखते हैं कि देखो वो ऐसे बात कर रहे हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं, उससे हम जो है रिएक्शन लेकर के खुद उन चीजों को सीखते हैं और फिर हम वैसे ही करते हैं. आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑब्जर्वेशन लर्निंग. और अगर नहीं आया तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं. यू कैन रीच आउट टू अस टू आस्क द डाउट्स एंड द क्वेरीज, ताकि हम उसमें क्लैरिफिकेशन दे सकें. देन वी हैव कॉग्निटिव लर्निंग. कॉग्निटिव लर्निंग क्या होती है? कॉग्निटिव लर्निंग इज बेसिकली जहां पर हम कॉग्निशन का इस्तेमाल करते हैं, माइंड, ब्रेन, दिमाग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह की चीजें हम जो है वो लर्न करते हैं कॉग्निशन में. हम अपना, क्योंकि अभी तक लोग क्या बोल रहे हैं, हम बस कंडीशनिंग कर रहे हैं. जो लोग हैं वो क्या है, वो पैसिव हैं. जो जैसा पढ़ा रहे हैं, जैसा सिखा रहे हैं, वो वैसा चीजें याद कर ले रहे हैं. दे डोंट हैव मच थिंग्स ऑन देयर ओन, हम वो बोल रहे हैं. उसके बाद आता है इनसाइट लर्निंग. इनसाइट लर्निंग और लेटेंट लर्निंग, ये दोनों ही किसके टाइप हैं? ये दोनों ही कॉग्निटिव के टाइप हैं, राइट? अब जो इनसाइट लर्निंग है वो कोहलर ने करी थी डिमॉन्स्ट्रेट. मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया एक्चुअली. तो कोहलर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया ना, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि कुछ चिंपैंजीज थे, उन्होंने उनको एक जगह पर भेजा, एक रूम, मतलब कोई लेबोरेटरी टाइप ओपन एरिया था. वहां पे उन्होंने ऊपर जो है हैंग कर दिए बनानास, ठीक है, फल या केले, बनाना जो भी है, फ्रूट्स वहां पर उन्होंने हैंग कर दिए कि अब आपको ये खाने हैं. वहां पर ना कुछ बॉक्स थे, कुछ डंडियां थी, कॉलम्स थे, रस्सी थी, डंडा था, बहुत कुछ था मतलब उनके लिए. तो जब वो अंदर गए, उन्होंने बहुत कोशिश करी उस पर करने की, देखो पोल था, बॉक्स स्टैंड सब कुछ था, रीच आउट करने की, बट उन्होंने रीच आउट कर नहीं पाए, वो पहुंच नहीं पाया उस तक. उसके बाद क्या हुआ, अचानक से एक ट्विक हुआ, एकदम से उनके दिमाग में आया और वो इमीडिएटली बंदर गए, डब्बे के ऊपर डब्बा रखा, पतला डब्बा रखा, और उसको डंडी से खींच करके उन्होंने उसको गिराया केले को, और वो जब नीचे गया तो उन्होंने फटाफट से वो बनाना खा लिया, ठीक है. तो यहां पर इनसाइट लर्निंग वर्क करता है. इनसाइट लर्निंग की क्या डेफिनेशन है, जब जो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एकदम से आपको क्लियर हो जाए ना, एकदम आहा मोमेंट टाइप जिसे कहते हैं, दैट इज योर इनसाइट लर्निंग. कि एकदम से आपको उसके टूवर्ड इनसाइट आ रहा है कि मैं ऐसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. और ये जो है वो कोहलर ने दिया. उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि सीरीज ऑफ क्वालिकोलॉजिकल इवेंट्स हो या फिर आप देख के लर्न कर रहे हो, आपको अंदर भी हो सकता है और आपके एकदम से वो सोल्यूशन क्लियर हो सकता है. और उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं इनसाइट लर्निंग. इन्होंने ये स्टार्ट किया था चिंपैंजीज पे, इन्होंने स्टडी किया था कोहलर ने. और कोहलर जो है वो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट भी थे, तो वो ये भी बोलते थे कि जो पर्सन होता है वो एज अ होल चीजों को यू नो देखते हैं, परसीव करते हैं. तो यही इनका वो था कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी जो होती है, वो जब बंदर शांति से बैठ गए, एकदम ऐसे सोच में पड़ गए, तो एकदम से अंदर से एक सोल्यूशन आया, दैट इज योर इनसाइट लर्निंग. ऐसा नॉर्मल लाइफ में भी हमारे साथ काफी होता है. इसी का जो दूसरा पार्ट है वो है लेटेंट लर्निंग. अब आप ध्यान से सुनना, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है. इस एक्सपेरिमेंट को किया था टोलमैन ने. टोलमैन ने कहा था कि लेटेंट लर्निंग होती है, लेटेंट मतलब होता है छुपा हुआ. और इन्होंने कहा कि लर्निंग होती है पर वो छुपी रहती है जब तक कि उसकी जरूरत नहीं होती है आपको उसे बाहर भेजने की. समझ गए आप? तो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, मैं वो बताती हूँ. उन्होंने क्या किया कि रैट्स को उन्होंने जो है वो दो ग्रुप्स में भेजा. गेज, पता ना आपको, छोटे बचपन में ऐसा कुछ ऐसे ऐसे लाइंस होते थे और आपको बोलते थे, चंपक की बुक्स में यूजुअली आते थे, अगर आपको पता है, आपको बोलते थे यहां से स्टार्ट करो और यहां एंड में आपको गुफा तक पहुंचना है, बीच में कहीं भी लाइन कोई टच नहीं होनी चाहिए, अगर आपको पता हो तो. अभी पजल टाइप का गेम होता है, गेज कहते हैं इसको. इस तरह के उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने चूहों को छोड़ दिया, ठीक है. जैसे आप पेंसिल से करते हो ना, ऐसे समझ लो रैट्स को उसके अंदर छोड़ दिया और फ्रीली जो है घूमने के लिए दिया. अब ये भी दो सिचुएशन में थे, एक यहां पर था, एक यहां पर था, ये था. अब यहां पर जब वो आ रहे थे चूहे, एंड में जब वो यहां से शुरू होके घूम फिर के यहां आ जा रहे थे एंड में, तो उनको यहां खाना मिल रहा था, फूड. लेकिन यहां पर जो गेज था, यहां पर जो भी सिस्टम था, भूलभुलैया था, उनको यहां पर एंड में आने पर भी ना कुछ मिल नहीं रहा था. और दोनों में जो है रैट्स जो है ऐसे ही फ्रीली जो है वो घूम रहे थे, ठीक है. अब कुछ टाइम बाद जब उन्होंने ये देखा कि चलो अब हम खाना दे के देखते हैं, या उन्होंने दूसरे जब गेजेस में उनको दोबारा ट्राई किया, तो उन्होंने ये देखा कि जो ये वाले चूहे हैं ना, ये रास्ते में जा नहीं रहे थे पहले, पर जैसे ही इन्हें पता चला या उन्होंने देखा कि वहां फूड है, वो इमीडिएटली एक बारी में वहां तक जो है वो चले जा रहे थे अगली बारी. ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि लर्न दोनों ने किया था,
लेकिन इन चूहों को एंड में कुछ खाना मिल नहीं रहा था, तो वो कुछ कर नहीं रहे थे, ऐसे बैठे हुए थे, ज्यादा घूम नहीं रहे थे, लेकिन इनको मिल रहा था तो ये फूड तक जा रहे थे। इसका मतलब कि जो लर्निंग थी वो लेटेंट थी, वो छुपी हुई थी और वो उन्हें लर्न थी, और वो तब तक नहीं दिखाया जब तक उन्हें फूड के लिए कुछ मिला नहीं, और जब उन्हें लगा कि हाँ फूड मिलने लगा है तब उन्होंने क्या किया, वो एक्शन दिखाना शुरू कर दिया। इसका मतलब लर्निंग लेटेंट रही, छुपी रही, और जैसे ही उन्हें लगा कि हमें बाहर दिखानी चाहिए, उन्हें वो दिखाया। इसे हम कहते हैं कॉग्निटिव मैप, जो रैट्स के दिमाग में एक कॉग्निटिव मैप का पूरा जो रास्ता था वो पूरा बन चुका था उनके माइंड में, समझ रहे हो, पूरा का पूरा जो लर्निंग था वो मैप बना दिया था, लेकिन उन्होंने परफॉर्म नहीं किया था क्योंकि उनको मिल नहीं रहा था। इसका मतलब लर्निंग तब तक लेटेंट रहती है जब तक उसको जरूरत ना हो बाहर दिखाने की, समझ रहे हो। दैट इज अ कॉग्निटिव मैप की डेफिनेशन क्या है, अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पेशियल लोकेशन एंड डायरेक्शंस व्हिच दे नीडेड टू रीच देयर गोल। कोई भी डायरेक्शंस या लोकेशंस जो उनको अपने गोल तक पहुंचने के लिए जरूरी है उसे हम कॉग्निटिव मैप कहते हैं, और उसे उन दोनों रैट्स ने लर्न कर लिया था, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सिक्वेंस वो बिहेवियर दिखा रहे थे या नहीं दिखा रहे थे। हमने आज करा ऑब्जर्वेशन लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग में दो टाइप्स, इनसाइट लर्निंग एंड लेटेंट लर्निंग, एंड आई होप आपको ये याद हो गए होंगे, समझ आ गया होगा। नहीं आया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आ गया है तो फिर भी क्या प्रॉब्लम है, बताइए कि आ गया है समझ में। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए जो आपके साथ के हैं स्टडी करने के लिए। अपना ध्यान रखिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एग्जाम अच्छे से दीजिए। हम फिर मिलेंगे न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।